सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने एक अहम फैसले में मॉडरेशन नीति को खत्म करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत छात्रों को मुश्किल सवालों के लिए ग्रेस अंक दिए जाते थे। ये फैसला उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। मॉडरेशन नीति के तहत बोर्ड परीक्षार्थियों को खास प्रश्न पत्र में कुछ सवालों पर 15% ज्यादा अंक देती थी। हालांकि अगर कोई छात्र कुछ नंबर से परीक्षा पास करने से वंचित रह जाता है तो ऐसे में ग्रेस अंक देकर पास करने का भी प्रावधान जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटिशन और 95% से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने एमएचआरडी से मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किए जाने की अपील की थी। पिछले कई साल में छात्रों को मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से लगभग 8 से 10 अंक तक अधिक मिले हैं। इस कारण 95% और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट की तादाद बढ़ गई। सीबीएसई में साल 2006 में 384 स्टूडेंट्स को 95% और उससे अधिक अंक मिले, जबकि ये संख्या 2014 में बढ़कर 8971 तक पहुंच गया। ऐसे में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया। नामांकन के समय कट ऑफ हाई जाने की वजह से छात्रों को एडमिशन मिलने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। नेहा चंद्रा, APN, दिल्ली।